पे मौजूद है, उन्होंने गल करने हैं, उन्होंने को जानने हैं वो क्या ने। अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। लगना इसलिए टेलीफोन लाइन जी सारी ड्रॉप होगी, दोबारा उन्होंने कोशिश करने कि रबता हो जाए तो उन्होंने गल कर इस बारे में कि वो क्या आखने इस हवाले न। बट तो मैं सब शार्टली ये कंक्लूड करना चाहना कि इंतजामी अखराजात कम करने आस्ते है, एक तो यानी कैबिनेट साइज कम किया जाए, दूसरा गैर पैदावारी महकमे जरा ना उन्हें की खत्म किया जाए या कम किया जाए, या एटलीस्ट उन्होंने बजट जरा ना बजट वो कम किया जाए। उस तो अलावा मसलन तुम देखो कि एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं इतने जिक्र करना चाहना कि हुकूमत पाकिस्तान यानी इस दफा ऐलान किया कि 10% यानी वज़रा ने तनख्वाह कमी की है, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट की फॉलो करना चाहिए सी, लेकिन इन्हें कट नहीं किया बल्कि। चौधरी साहब दोबारा लाइन पे मौजूद हैं, उन्होंने को जुलने हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम। चौधरी साहब सब तो पहले तो तुम्हारा शुक्र गुजार हाँ कि तुम साड़ी बैठक से टाइम कर दिया, नाले सो की खुश आमदेद भी आखने। चौधरी साहब गल करने आज़ाद कश्मीर ने बजट जो इंतजामी खराजात हैं उन्होंने पर, सब तो पहले तो मैं तुसा को एक चीज़ जानना चाहना है कि अखबार में आया जी कि ओपोजिशन जरा बड़ा एहतजाज किया उसने पर और वॉकआउट किया उतू असेंबली ने विचू जरा बजट पेश करने टाइम, तो तुसा इस बजट ने पर एग्री ना, इसका मतलब है गुजारिश है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गुजारिश है जी कि ये बजट जरा आजाद कश्मीर की तारीख का राइट फ्रॉम आजाद कश्मीर जो मर्जी वजूद आया रियासत ने जी देश के अपनी हुकूमत मर्जी वजूद आई है, अदू तो लैके इस वक्त तक सब तो मायूस तरीन मायूस कुन जरा बजट है वो इस हुकूमत ने पेश किया। उसकी बेसिक जी रीजन है वो मैं दर्ज करा कि अपोजिशन ने क्यों बायकॉट किया, अपोजिशन ने कैसे बायकॉट किया कि इसे एक सारे का बजट और फिर उस बजट में टोटली अपोजिशन नजरअंदाज किया गया। पाकिस्तान के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत है और विद इट्स अलाइज और उसे ऐसी तमाम जो जी अपोजिशन जमात तमाम पोलिटिकल पार्टीज आर इन दी नैशनल असेंबली उसे सारियां नो बराबरी की बुनियाद पर जो वो फंड दिए जा रहे हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जरा पाकिस्तान में बहुत बड़ा प्रोग्राम है जिस साथ दूसरे महीने 2000 रुपया एक खातून जो है उसने कानूनी दहलीज पर मिला, उस विच भी वो तमाम जिहड़े इलेक्टेड मेंबर्स इन पार्लीमेंट ने उन्होंने की बराबरी की बुनियाद पर फॉर्म तकसीम किए गए। कि जड़ा आजाद कश्मीर ने बजट पेश होया अगर हुकूमत वक्त जी है उन्हें आपसी डिसीजन किया क्या कानूनी तौर पर उनकी मशा की नजर सा ओपोजिशन ने नाल? मैं उसी तरफ आ रहा जनाब, मैं गुजारिश कर रहा कि इन्हें बिल्कुल अपोजिशन की अतमाद नहीं लिया, अपोजिशन ने रकीन असेंबली की बिल्कुल कोई फंड नहीं दिते और फंड वैसे भी ये बजट इस तरह इस वाले नाल मायूस कुन है कि वो फंड इन्हों को है भी नहीं और फेडरल गवर्नमेंट ने हवाले ना लिया है कि ऐसा गैर संजीदा गैर मुतवाजन और गैर मयारी किस्म का मैं तो ज्यादा भी डेलीगेशन पर मैं लाइव ना कहना चाहना नहीं तो सब दुनिया सारे नाजरीन को पता लगा ना ऐसा शख्स रहा होगा कि उसमें मुनसिपल फायद हो चुका जरा मतलब बिल्कुल कोई हालात और वाकयात नबल्द है। देखो जी गल है कि इस वक्त दुनिया किस तरह से आ रही है, ये शख्स ऐसा है कि बरादरियां की बरादरियां लड़ा रहा और जिले की जिले लड़ा रहा, अमेरिका में जी टोटल कालिया की जी आबादी है ब्लैक्स हैं जे दे आर लैस दैन 9% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अमेरिका USA और उसे एक मुसलमान का बेटा बराक हुसैन ओबामा जरा उस मुल्क का सदर बन जाना। चौधरी साहब मैं एक गल पूछना चाहना सो कहूं नहीं नहीं छो मैं भी सो पूछना चाहना कि तुसा अमेरिका की आजाद कश्मीर ना बुलाने या किस तरह सो कंपेयर करना चाहना इसकी? मैं जी गल मैंने गल फाइनली कंप्लीट भी कंप्लीट माय जी 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 या यू कैन कंप्लीट इट मैं उसे तरफ आ रहा उसे तरफ जी जी हिंदुस्तान साढ़े नाल पड़ोस है, हिंदुस्तान ने जी जरा वजीर आजम है वो सिख है और दे आर लेस सिक्स आर लेस इन 3% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड द प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह हैज बीन देयर एज अ प्राइम मिनिस्टर फॉर द लास्ट 8 ईयर। उसे जी जी पार्टी है रूलिंग पार्टी उसका जरा उसकी जी लीडर है सोनिया गांधी शी इज अ क्रिश्चियन शी इज इटालियन और अबव ऑल बरतानिया जैसा मुल्क जिसे तुम रहने हो मैं भी उसे आई एम अ ब्रिटिश सिटीजन ऑल्सो एंड मैं समझा कि उसे जिसे पाकिस्तानी मुसलमान जो दे आर लेस देन 1% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ब्रिटेन एंड द रूलिंग पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी इलेक्शन जीतने के बाद
चार दिन बाद शहीदा वारसी नू जरा वो उस मुल्क दी उस अपनी पार्टी ने चेयरपर्सन बनाई नहीं, लेकिन आजाद कश्मीर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਰਿਲੀਜੀਅਨ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਵੇਅਰ ਟੂ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਆਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਬੇਵਕੂਫ ਇਨਸਾਨ ਅਸਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਉਸਮਾਨ ਨੇ ਮਨਸਬ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਕਿ ਇਸਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਕੋਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ इब्राहिम जिया की चौधरी इब्राहिम जिया की एडवांस जज सुप्रीम कोर्ट ना बना के मैं उस गुजरा नु तकसीम कर छोड़ा आने का मतलब यह है तुसा इस वजह तो इस बजट की मुस्तरद करने हो क्योंकि बरादरी ने सियासत आई थी आजाद कश्मीर ने विच और असली टोटली इस मुस्तरद करने आ गैर मयारी बिल्कुल लफ्जों ना हेर फेर और कोई ना उसके पैसा ना कोई लोगों ने रियासत ने अवाम ने खवाब महबूद है ना ना उसके रसूल साहब ने कोई मामला टोटली मतलब है कि मायूस कुल बजट है और ये जो वजीर आजम है ही विल बी अ डिजास्टर फॉर दिस रियासत स्टेट आई टेल यू एंड वी आर रेडी इंशाल्लाह बजट के बाद वी विल मेक श्योर खुशवार उस दौर किसे कोई बरादरी की बरादरी नाम से लड़ाया जा रहा जिन्हें नाम से लड़ाया तमाम बरादरियां तमाम जो कबीले रियासत के अंदर बसे थे उन्हें बराबरी नहीं बुनियाद पर जेल दिता जा रहा है और ये अपोजिशन ने लोग सिकंदर यार खुद भी ये कहना कि सुल्तान महमूद का जो दौर हुकूमत से और इस रियासत का जो बहुत खुशगवार दौर से असर है आपस एक प्रभात अपनी जगह दैट इज अनदर थिंग चाहे साहब असर ब्रेक पर जा सकते हैं टाइम थोड़ा है मैं चाहिए एक आखिरी सवाल बिल्कुल लास्ट सवाल पूछे चला हूं के सरदार सिकंदर साहब का जी अपनी तकरीर की थी कोटली ने विच उन्हें गल आई कि वफाक जी बजट ने पर कटौती की थी और इसकी एक बांग्लादेश बनाना चाहना तुस उन्होंने इस मैसेज की किस तरह तकने हो देखो जी ए इन्होंने बेवकूफियां नहीं वाया तू तो इतने तक पहुंच आए कि मतलब इन्होंने सियासत आलम है कभी फौज की चैलेंज कर रहे हैं कभी वफाक की चैलेंज कर रहे हैं देखिए जी वी आर नथिंग विदाउट पाकिस्तान पाकिस्तान हमारा हमारी मंजिल है पाकिस्तान साड़ी मंजिल है पाकिस्तान बांग्लादेश बनाना चाहना चोर दरवाजे चाहे वो अयूब खान ना दो रहा है चाहे वो याहिया खान ना दो रहा है चाहे वो अपने जियाउल हक ना दो रहा है चाहे वो परवेज मुशर्रफ ना दो रहा है मुस्लिम कांग्रेस हमेशा चोर दरवाजे तू डिक्टेटर नहीं है जरा वो उन्होंने बिसाखी ने सारे पर इकतदार कर लिया कभी भी इस मुल्क जो भी साफ शफाफ इंतखाबात हुए मुस्लिम कांग्रेस कभी इकतदार नहीं आ सकी और चूंकि उन्हें मायूस है बेसिकली ये मुशर्रफ नहीं बाकियात है उन्हें समझ इन्होंने जाने का वक्त आ गया और आई मेक लेकिन प्रवेज मुशर्रफ ने धोनी मोहतरमा शहीद था उन्होंने वादा करी था पाकिस्तान आए सन देखो जी मोहतरमा जो है ना वो पाकिस्तान आए सन पाकिस्तान उन्होंने नाजरीन सुनने से गुफ्तगु चौधरी मोहम्मद यासीन साहब जो पीपल पार्टी ने पीपल पार्टी आजाद कश्मीर ने सीनियर नायब सदर हैं और मरकजी जड़ी एग्जैक्टिव कमेटी है पीपल्स पार्टी नहीं एग्जैक्टिव कमेटी है उसने मेंबर भी हैं उन्होंने तुसा ख्याल सुने उन्होंने बिल्कुल मुस्तरद किया जो आज़ाद कश्मीर का बजट है तो बाकी जड़ी गल सुनी कि आज़ाद कश्मीर की जी सियासत है सियासतदान के बारे में इसलिए जी आज़ाद कश्मीर की सियासत है उन्होंने इसकी इस नज़रिए नाल तकिया क्योंकि इसलिए वो बरादरी की सियासत है तो इंशाल्लाह अज़ीज़ असा मुड़ी तक सोने को
बल्कि गुफ्तगू जारी रखने जिसे ब्रेक पर जाना तो असं यह जो गल जी गुफ्तगू ना की उस गुफ्तगू के बारे में जानना चाहता अपने फाजल जहा साहब को कि इस गुफ्तगू की किस तरह तकड़े जनाब मैं चौधरी साहब ने गुफ्तगू तो बड़ा मुतासर असं ब्रेका जुलने तो मुड़ी छने तो फिर इंशाला इस बारे में नाजीन इस तरह हम सारी ब्रेका टाइम हुई है क्योंकि मैं पहले याद नहीं रहा कि ब्रेका पर जुलना मुड़ी तो गल्ला इतनी कन्फ्यूज करी छोड़ी सियासी तो इतनी रे पानी शानी पी किनो गला माड़ा भी सुकना पाया तो जय ने कुरे मुड़ी छने तकड़े रहो साड़ी बैठक इंसानियत की खिदमत में ही अजमत है। अगर आपको किसी एशियन उम्र रसीदा माजूर बुजुर्ग की देखभाल करने में मुश्किल हो रही है या फिर आपके बूढ़ों को घर अकेले रहने में परेशानी महसूस होती हो तो आपकी मदद के लिए जदीद तकाजों के मुताबिक तमाम तर सहूलियात के साथ मौजूद है आसरा। आसरा में हिफ्ज़ान सेहत के मुताबिक खुराक मुयस्सर और फरागत के लम्हात अहसन अंदाज से बसर होते हैं। आसरा खुतबा जुमा बमकाम जामे मस्जिद कबा वर्ल्ड इस्लामिक मिशन पेरिस बतारीख 25 जून तकरीबन 1 बजे दिन खिताब पीर तरीकत हजरत साहबजादा पीर सुल्तान फयाज हसन कादरी जिगरगोशा हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाएंगे। इसी दिन बाद अज नमाज असर ता मगरिब महफिल 11वीं शरीफ का अजीम शान प्रोग्राम होगा। बरवक्त तशरीफ लाकर ममनून फरमाएं। महफिल के आखिर में लंगर शरीफ का इंतजाम होगा। अदवाई इंतजामिया मस्जिद कबा वर्ल्ड इस्लामिक मिशन पेरिस फ्रांस। अहले सुन्नत की नुमाइंदा और तर्जुमान तंजीम जमात अहले सुन्नत बरतानिया के जेर एहतमाम 14वीं सालाना इंटरनेशनल सुन्नी कॉन्फ्रेंस जेर निगरानी हजरत पीर सूफी मोहम्मद अब्दुल्ला खान। इंग्लिश सेशन हफ्ता 26 जून शाम 7 बजे और मरकजी सेशन इतवार 27 जून दिन 1 बजे जामिया मस्जिद गमकोल शरीफ स्मॉल हीट बर्मिंगम में दुनिया भर से मुक्तदर उलमाए किराम और मशायख-ए-इज़ाम स्कॉलर और दानश्वर शिरकत फरमाएंगे। मौजूआत असर हाजिर का सबसे बड़ा फितना तौहीन रिसालत इस्लाम का तसव्वुर जिहाद और फसाद इस्लाम और दहशतगर्दी खुसूसी खिताबात अशेख मोहम्मद सईद रमदान बूती शाम मुफ्ती मुनीबुर रहमान पाकिस्तान अशेख अब्दुल फत्ताह बिज़्म मुफ्ती शाम अल्लामा सैयद हसीनुद्दीन शाह पाकिस्तान अशेख हसामुद्दीन फरफूर महदुल फतह शाम पीर सैयद कबीर अली शाह पाकिस्तान डॉक्टर तहसीर अबू कशरीफ डिप्टी मिनिस्टर औकाफ दमिश्क अशेख नूरुद्दीन इत्र मुहद्दिसे कबीर दमिश्क साहबजादा पीर अमीनुल हसनात शाह पाकिस्तान साहबजादा पीर सुल्तान फयाजुल हसन कादरी साहबजादा पीर मोहम्मद हबीबुल रहमान महबूबी साहबजादा पीर नूरुल हक कादरी वजीरे ममलिकत मजहबी उमूर पाकिस्तान पीर सैयद इरफान शाह मशहदी नामूसे रिसालत के पासबानों और हुजूर अलैहि सलातो व सलाम के गुलामों कॉन्फ्रेंस में शरीक होकर दीनी बेदारी और मिली गैरत का सबूत दे। बराए राब्ता वेलकम बैक खुश आमदेद जी आया सारे की जो इसलिए पे साड़ी बैठक
साड़ी बैठक ने विच असा जड़ा अज मौजू कीता आया ओया आजाद कश्मीर ना बजट